नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपको समय समय पर फर्मेंटेड फूड के बारे में बताते रहते हैं। आज एक ऐसे ही फर्मेंटेड फूड के बारे में हम आपको उसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है किमची। और ये आजकल इंडिया में बड़ा पॉपुलर हो रहा है, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में भी आपको किमची मिल जाएगी। लेकिन असल में किमची जो है वो इंडियन डिश नहीं, कोरियन डिश है, वो भी कोरियन साइड डिश है। इसके बारे में और भी जानकारी आपको आगे देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, आप किमची को इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि हम हर अपनी मील में, हर खाने के साथ अचार या सलाद लेते हैं, उसी तरह कोरियन लोग हर अपनी डिशेस के साथ किमची को लेना पसंद करते हैं। और भाई ले भी क्यों ना, क्योंकि ये इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको देती है। दरअसल किमची एक फर्मेंटेड फूड होता है और ये आपकी गट के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि और फर्मेंटेड फूड होते हैं। किमची की रेसिपी आपसे शेयर करें, लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे आखिर ये हेल्थ बेनिफिट क्या क्या देती है। आप जानते हैं और फर्मेंटेड फूड की तरह किमची भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन के बाद लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, जो हमारी बॉडी में जाकर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें रीजनरेट करता है, ये गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जिन लोगों को यीस्ट इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होता है, स्पेशली फीमेल्स में यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादातर यूटीआई की जो प्रॉब्लम होती है वो यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो ऐसे में आपको किमची अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, या कोई भी फर्मेंटेड फूड। दरअसल क्या होता है, किमची में फर्मेंट होने के बाद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं, जो कि यीस्ट इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी हटाने में और बॉडी को रिकवर उससे करने में बहुत हेल्प करते हैं। साथ साथ हार्ट हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। दरअसल किमची हाई फाइबर, हाई पोटेशियम और साथ ही विटामिन सी से रिच होता है। हाई फाइबर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वहीं पोटेशियम जो होता है वो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का काम करता है। और जब बीपी और कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट रहेंगे तो हार्ट हेल्थ, हार्ट अटैक का रिस्क, ये सब चीज़ें कम रहेंगी। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों की रिपोर्ट में हमेशा ही पोटेशियम बढ़ा हुआ आता है, साथ ही रिसेंट ही आपकी हार्ट सर्जरी हुई है, और कोई भी हार्ट रिलेटेड ऐसी दवाइयां खा रहे हैं आप जो आपकी बॉडी में पोटेशियम को बढ़ा रही है, तो आपको एक बार डॉक्टर की सलाह पर ही किमची को खाना है। वैसे तो कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन ये हाई पोटेशियम फूड होता है तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें। साथ ही जो लोग लो सोडियम डाइट पर हैं, वो लोग भी किमची खाने से पहले अपनी डाइटिशियन से सलाह ले लें। किमची खाने से कॉग्निटिव फंक्शन भी अच्छा होता है। अब आप सोचेंगे ये क्या नई टर्म है, दरअसल ये हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि किमची में कोलीन होता है जो आपकी ब्रेन नर्वस सिस्टम को एक तरह से आप मान लीजिए फ्लश, जो भी क्लीन करता है, आप इसको मान सकते हैं। दोस्तों, हाई फाइबर होने के नाते आप इसे वेट लॉस के लिए भी ले सकते हैं। हाई फाइबर अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा पेट ज़्यादा टाइम तक भरा रहता है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और वेट लॉस के लिए आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। तो फ़ायदे तो बहुत हो गए, लेकिन अब जो बात आती है वो आती है इसकी रेसिपी की। दरअसल काफ़ी सारे कोरियन मसाले डालकर इस रेसिपी को बनाया जाता है, लेकिन कोरियन मसाले मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में इंडियन मसालों के साथ इसको कैसे बनाया जाए, अब आप ये समझिए। किमची है वो एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, इसमें फिश ऑयल पड़ता है और इनके जो सॉसेज में काफ़ी सारी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें पड़ती हैं, तो ऐसे में आज 100% वेजिटेरियन किमची को इंडियन स्टाइल में कैसे बनाया जाए, आज हम आपको ये बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो किमची होता है वो बेसिकली फर्मेंटेड कैबेज होता है, क्योंकि वो उसका मेन इन्ग्रीडियंट होता है, और कोरियन डिश है इसलिए चाइनीज कैबेज इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इंडियन इसको इंडियन कैबेज, इंडियन पत्ता गोभी से भी बना सकते हैं। हमें चाइनीज कैबेज मिल गई तो हमने चाइनीज कैबेज ले ली है किमची के लिए। इसके साथ साथ हमने स्प्रिंग अनियन, मूली और गाजर ले लिया है, इनको अच्छे से धो के काट लिया है। लेकिन काटने समय एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इसको इतने पीस में काटिए ताकि ये गल पाए इजिली। ज़्यादा बड़े पीस में काटेंगे तो गलना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसको काट के आपको अच्छे से धोना है और करीब 2 चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाना है। हमने यहाँ हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल किया है, लेकिन घबराइए मत, अगर नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो बाद में हम इसको दोबारा वॉश करने वाले हैं, जिससे एक्स्ट्रा जो सॉल्ट होगा वो ड्रेन हो जाएगा। अब आपको इसको करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए सॉल्ट डाल के ढक के अलग रखना है। अब जो दूसरा मेन इन्ग्रीडियंट इसमें जो पड़ता है वो है गोचुगारू चिली सॉस, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि जो घर में रखी चीज़ें हैं हम उससे किमची बनाएं, तो इसीलिए हमने गोचुगारू की जगह हमने घर में चिली सॉस बनाई है, वो भी आसान तरीके से। हमने 10 से 12 सूखी लाल मिर्च ले ली है,
इसको पानी में करीब 1 से 1.5 घंटा भिगोने के लिए रख दिया है। अब सब्जियों को सोक करे हुए 1 घंटा हो गया है। अब ये देखिए पानी भी इसमें आ गया है, तो आपको ये जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है ये निकाल देना है, इस पानी को भी निकालना है, उसको दोबारा वॉश करना है 2 से 3 बार, जिससे कि एक्स्ट्रा जो सॉल्ट हो वो निकल जाए। अब इसको आप छान के अलग हटा के रख दीजिए, और इसको आपको ध्यान रखिए इसको ड्रेन करना है, जिस तरह से हम हाथों से इसको ड्रेन कर रहे हैं एक्स्ट्रा पानी निकाल रहे हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। अब इसको अलग हटने के बाद अब आते हैं हम सॉस पर, जो हमने होममेड चिली सॉस बना रहे हैं। अब 1 से 1.5 घंटा इस मिर्च को भी भीगे हुए हो गया है और ये मिर्च फूल गई है। अब आपको एक पैन में पानी के समेत ये मिर्ची डाल देनी है, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डालना है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डालनी है, और इसको तब तक पकाना है जब तक ये पानी पूरा सूख ना जाए। अब देखिए मिर्ची का पानी पूरी तरह से सूख गया है। अब इसको ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डालेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून केचप डालना है, 2 से 3 चम्मच ही वाइट विनेगर डालना है और थोड़ी सी चीनी डालना है, और इसको ग्राइंड कर देना है। अब विनेगर हमने इसलिए डाला है ताकि इसकी किमची की शेल्फ लाइफ बढ़ सके। अब हम बनाने वाले हैं किमची को बाइंड करने के लिए स्लरी। आपको इसके लिए 1 ग्लास पानी लेना है और 2 से 3 चम्मच चावल का आटा लेना है, और इसको पकाना है, और जब तक पकाना है तब तक ये थोड़ी सी थिक लेयर ना हो जाए। अब देखिए हमारी सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब वक्त है असेंबल करने का। तो इसके लिए आपको सब्जी लेनी है, जो हमारी सब्जियाँ सोक करके हम सोक करने के लिए रखी है। इसके बाद इसमें हमें डालना है चिली सॉस, होममेड चिली सॉस जो हमने बनाया है, लेकिन कोरियन डिश में इसमें अगर आपको ट्रेडिशनली वो डिश बनानी है तो आपको गोचुगारू सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें सोया सॉस थोड़ा सा डाला है, इसकी जगह आप फिश ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम वेजिटेरियन लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हमने सोया सॉस इस्तेमाल किया है। अब इसमें सेसमे सीड्स डाल के इसको स्लरी से कंबाइंड करेंगे, अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है, और ये रेडी टू ईट है। आप चाहें तो इसको अभी खा सकते हैं, नहीं तो एक कांच के बर्तन में इसको फर्मेंट करने के लिए रख दीजिए। तो इसके लिए 2 से 3 दिन बाद इसमें फर्मेंटेशन शुरू होगी, और ऐसा आप फर्मेंटेड फूड के अगर फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन बाद ही खाइए। और इसको 1 हफ्ते तक आप इसको किचन के किसी कॉर्नर में रख सकते हैं, सर्दियां हैं तो धूप में रख सकते हैं, गर्मियों में धूप की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें विनेगर डाला है तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई है। अगर आप इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक कंज्यूम करना चाहते हैं तो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते बाद। लेकिन हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप इसको 1-1 हफ्ते के गैप में खाते रहें, 1 हफ्ते तक ख़त्म कर दें और 1 हफ्ते बाद फिर बना लें, तो ये ज़्यादा बेनिफिट आपको देगी। और फर्मेंटेड फूड अगर आप मॉर्निंग यानी ब्रेकफास्ट में अगर लें तो ये हमें ज़्यादा बेनिफिट करता है, लेकिन आप चाहें तो इसको आप कभी भी दिन में खा सकते हैं, और अचार सलाद की तरह इसको भी अपनी एक साइड डिश में ले सकते हैं। तो ये है किमची की रेसिपी और किमची के बेनिफिट्स। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है किमची की रेसिपी को लेकर या हेल्थ बेनिफिट को लेकर, तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब किमची की रेसिपी देखने के बाद बहुत से लोगों को बहुत झंझट लग रहा होगा, अगर इस झंझट से बचना चाहते हैं तो किमची जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगाई जा सकती है, और किस तरह आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके इजीली किमची को घर पर मंगा सकते हैं। अगर इसी तरह के हेल्थ वीडियोस आप हमारे चैनल पर और देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अभी तक अगर आपने जीवन कोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जीवन कोश को सब्सक्राइब करें, आपको वक्त वक्त पर अपडेट नोटिफिकेशन आती रहे, तो इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना है।